वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं गीतांजलि आपका स्वागत करती हूँ गीत की रसोई में। आज गीत की रसोई में आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया चटनी, जिससे कि आपके सैंडविचेस और कटलेट का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। चटनी को बनाना बेहद ही आसान है और इसे स्टोर करके भी आप आसानी से रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हरी धनिया की खूब बढ़िया ग्रीन चटनी यानी सैंडविच वाली चटनी बनाने के लिए हम लेंगे लगभग एक बंच धनिया, ये 2 कप के बराबर है, जिसे मैंने जड़ों से काट लिया है और बाकी डंडी सहित साफ करके धो के रख लिया है। हरी धनिया की टेस्टी स्पाइसी सैंडविच वाली बढ़िया सी चटनी बनाने के लिए हमने ली है 8 से 10 हरी मिर्च, जिसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे, 15 से 20 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक के टुकड़े, और इसे बढ़िया सा हैवी लुक देने के लिए और कलर और टेस्ट देने के लिए 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली, जिसका छिलका मैंने भून करके उतार दिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। हरी धनिया की चटनी रखने पर काली पड़ने लगती है, तो इसे काले पड़ने से बचाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भुने हुए सफेद तिल। यकीन मानिए दोस्तों, इससे धनिया की चटनी का टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है और कलर भी बहुत ही प्यारा आता है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, नमक स्वादानुसार। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया को, 1 नींबू के रस को इसमें निचोड़ देंगे, जिससे कि चटनी में अच्छा सा खट्टापन आ जाएगा। चटनी को खूब थिक बनाने के लिए और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जो कि है हमारी नमकीन, जो मैंने 2 बड़े चम्मच डाले हैं। आप आलू भुजिया या बेसन की भुजिया भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इन सारी चीजों को हम एक साथ अच्छे से मिक्सर में चला लेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून बिल्कुल ठंडा चिल्ड वाटर डाला है मैंने, आप चाहें तो 2 से 3 क्यूब आइस के भी ले सकते हैं। हम आइस क्यूब्स या चिल्ड वाटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब मिक्सी चलती है तो ये थोड़ी गर्म हो जाती है और गर्म होने से धनिया की चटनी का रंग बदलने लगता है, इसलिए हम इसमें एकदम ही ठंडा पानी या आइस क्यूब्स का प्रयोग करेंगे। चटनी पीस के तैयार है, ये देखिए फ्रेंड्स कितनी गाढ़ी गाढ़ी और कितना प्यारा कलर है। इसे हम मिक्सर जार से निकाल के किसी बोल में रख लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी टेस्टी हेल्दी गाढ़ी गाढ़ी हरी धनिया की चटनी। ये सैंडविच के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है, कटलेट के साथ भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आप जिस भी चीज के साथ इसे खाना चाहें, इसे आप फ्रिज में रख के आराम से 10 दिनों तक ऐसे खा सकते हैं और इसे 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। 6 महीने तक स्टोर करने के लिए इसे आइस ट्रे में डाल के क्यूब के फॉर्म में कर लें और जिप लॉक बैग में डाल दें, और जब भी यूज करना हो 1 से 2 आइस क्यूब निकालें, नॉर्मल होने दें, चटनी आपकी रेडी है। या छोटे छोटे कंटेनर में करके उसे आइस क्यूब के फॉर्म में जमा दें, जब भी यूज करना हो 1 कंटेनर बाहर करें, नॉर्मल करें और चटनी यूज करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।